रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल अगेन ने ओपनिंग के साथ ही धमाका कर दिया है। फिल्म ने 3 दिनों में लगभग 87 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि काबिले तारीफ है। सच कहा जाए तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस की बिगड़ती हालत को थोड़ा सुधार दिया है। बता दें, फिल्म अपने 3रे दिन की कमाई के साथ ही पहले वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हो चुकी है। वहीं 3 दिनों में ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ से पार जा चुका है। बाहुबली 2 हिंदी ने पहले वीकेंड पर 128 करोड़ की कमाई की थी। सुल्तान, सलमान खान की सुल्तान ने 105.51 करोड़ का कलेक्शन किया था। दंगल, आमिर खान की फिल्म दंगल ने 105.01 करोड़ की कमाई की थी। हैप्पी न्यू ईयर, शाहरुख खान की यह फिल्म दिवाली पर रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले वीकेंड पर 104 करोड़ की कमाई की थी। बजरंगी भाईजान, सलमान खान की इस फिल्म ने पहले वीकेंड तक 102.60 करोड़ कमा लिया था। धूम 3, आमिर खान की फिल्म धूम 3 ने 101.61 करोड़ का कलेक्शन किया था। प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो ने 101.47 करोड़ का